पैदल जाने का रास्ता बड़ा ही शानदार मुझे लग रहा है। यहाँ पे जो भी पर्यटक आए हुए हैं, जो भी टूरिस्ट आए हुए हैं, सारे लोग बाइक स्कूटी इसी से सफ़र करते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं। प्राइवेट कार यहाँ पे बड़ी महंगा है और उस स्कूटी ही एक ऑप्शन है जहाँ पे आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। ये डांडो बीच का एरिया है। अभी यहाँ से हमें और 2.5 किलोमीटर आगे चलना है जहाँ से मिलेगा हमें अरुम्बल बीच। ये आप देखिए क्या मस्त मस्त होटल है। अरुम्बल बीच गोवा का वन ऑफ द मोस्ट फेमस और ब्यूटीफुल बीचेस में से एक माना जाता है। अभी जो भी मैं टूर कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ जनवरी 2023 में, और ये लगभग जनवरी में भी मिड जनवरी है। आज अभी आई थिंक 13 तारीख है, तो इतना 13 जनवरी के टाइम में पूरे ऑल ओवर इंडिया में ठंड रहता है, लेकिन गोवा में अभी ठंड बिल्कुल भी नहीं है। गोवा में अभी बिल्कुल भी ठंड नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पे गर्मी है। यहाँ का जो अभी जनवरी का टेम्परेचर है 31 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर रहता है। हल्का सा ठंडा लगेगा रात में और सुबह जब आप बीच पर जाएंगे तो। किसी भी बीच पर आप जाएंगे, इस टाइप के कपड़े वाले और इस टाइप के एक्सेसरीज़ के शॉप आपको मिल जाएंगे। ये है अरुम्बल का मिनी मार्केट। यहाँ पर भी आप देखिए वेरियस टाइप के एक्सेसरीज़, कपड़े, चश्मे, ड्रिंक्स, और पूरे गोवा में तो इतना ड्रिंक्स बिकता है, इतना ज़्यादा अल्कोहल की मैं क्या कहूँ, दारू बहुत ज़्यादा बिकता है। किसी भी गली में आप चले जाओ मिल ही जाएगा। सो अब हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर, अब अपना बाइक हम लोग करेंगे पार्किंग में लगाएंगे और तब अंदर जाएंगे। हाँ जी चलो, पार्क कहाँ पे करना है? अंदर में ना। अरे यार ये सेम टू सेम कपड़े पहन के अब कितना बार पैसा लेगो यार। अरे अभी काटे तो कहाँ लगाना बताओ। हाँ पैसा लेने के लिए 50 वर्ग समझ में आ रहा, पीछे तो बताया नहीं जा रहा। गजब भी है यार, यहाँ का तो भीड़ गजब लग रहा है, मतलब अनबिलीवेबल भीड़ है। और अरुम्बल बीच का खासियत यही है, वो आपको भीड़ ही बता रहा होगा। ये देखो आप स्कूटी, हज़ारों स्कूटी लगे हैं। और अब हम लोग यहाँ पे अपनी बाइक को लगाएंगे, कहीं भी लगा सकते हैं चूँकि हमने 20 रुपये का टिकट दे दिया। अनबिलीवेबल भीड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने अपना बाइक यहीं पे पार्क कर दिया, स्कूटी है बेसिकली, और अब अपने बच्चे के लिए मैं कपड़ा ख़रीदने जा रहा हूँ, तो आपको कपड़ा मार्केट भी दिखाता हूँ। हर टाइप का, इस टाइप का आपको मिल जाएगा, जिस भी धर्म कर्म में विश्वास है वो आप ले लो। गोवा से रिलेटेड इस टाइप का एक्सेसरीज मिल जाएगा। ये कुछ रॉक्स हैं जो कि इंटरेस्टिंग रॉक्स दिख रहे हैं, अलग है ना, ये क्रिस्टल रॉक्स है। ये रॉक्स मुझे बड़ा अलग लग रहा है। इस टाइप से रिलेटेड बुद्ध का बहुत ज़्यादा है, भगवान बुद्ध का भी काफ़ी ज़्यादा स्टैचू है। अब यहाँ पे आए हैं हम लोग कपड़ा लेने के लिए। इस टाइप का आपको कपड़ा कहीं भी मिल जाएगा। इसी का मैं भी पहना हूँ, ज़्यादा का नहीं होता है, 300-400 के रेंज में, 500 के रेंज में मिल जाएगा। अच्छा है, ये गुड वाइब देता है। गोवा में आने के बाद ये ना गुड वाइब देता है, अच्छा लगता है पहनने में ये। सो यहाँ से वेरियस टाइप के कपड़े तो मिल ही रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट टैटू वाला है। मार्केट बड़ा शानदार है, बड़ा अच्छा मार्केट है, मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे आइस गोला भी पी सकते हैं, मुंबई के लोगों को
फेवरेट है। यहाँ पे देखिए वेरियस टाइप के शूज़ है और ये सजाने वाला आइटम हो गया, ये सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, अलाउड है, एयरपोर्ट से भी लेके जाना अलाउड है। सो यहाँ से भी हम लोग आइस गोला ले रहे हैं, एक ही बनाना ठीक है। सो यहाँ पे भी रुक के अभी हमने कुछ सामान लिया है, डेकोरेटिव आइटम है, ले सकते हैं याद के तौर पे। हमने यहाँ से लिया है शिप, काफ़ी अच्छा है शिप लिया है, दो शिप हमने लिया है, एक वो वाला और एक ये वाला, इस टाइप का एक शिप लिया है और एक इस टाइप का छोटा वाला, अच्छा लगा। फाइनली अब हम अरुम्बर बीच पर आ चुके हैं। आज का यहाँ मौसम सही नहीं है, एक्चुअली में हवा बहुत तेज़ है, हवा तेज़ है, टाइड बहुत हाई है, इसीलिए बालू भी उड़ रहा है। ये है गाय, कोई इसका व्यवस्था नहीं करता, गाय के नाम पे सिर्फ राजनीति करता, वो भी गंदा, कोई नहीं पूछ रहा। देखो कैसे मार के लोग भगा रहे हैं, ये इन लोगों का हाल है, देख लो कितना गंदा खराब किए हुए। मतलब टूरिस्ट इतना दूर से आता है और एक छोटा सा चीज़ भी ये लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे। मेरे पीछे जो भी आप देख रहे हैं ये सारे शैक्स हैं, सबका अपना अलग अलग चार्जेस है, ठीक है ना। जिस भी शैक के सामने में आप बैठोगे उसका ये अपना चार्ज लगता है, दरअसल बैठने का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आप जब बैठोगे ना तो तुरंत ये लोग अपना मेन्यू ला देगा और आपको मेन्यू में से कुछ लेना पड़ेगा, अगर आप लोगे वेल एंड गुड, नहीं लोगे तो पहले ही मना कर देगा। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर सीन चलता है हर जगह का, गोवा में कहीं भी बीच पर आप जाओगे सेम स्टोरी है। हवा बहुत तेज़ है, आई डोंट नो आवाज़ कैसा आ रहा होगा। आज अरुम्बर बीच पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा है, हाई टाइड है, आप टाइड आप देख सकते हैं बहुत ही तेज़ है। फिलहाल यहाँ पर कुछ लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छा है, आप भी आके यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, अलग है, हर टाइप के लोग आपको मिल जाएंगे। और ये जहाँ पे हम लोग शैक्स पे बैठे हुए हैं वो बेसिकली यही शैक्स है, इसके सामने का ये सारा चेयर है। तो बीच के सीन का आप आनंद लीजिए। उस कोने में काफ़ी दूर में पारा स्लाइडिंग हो रहा है, क्योंकि आज का मौसम अच्छा नहीं है तो पारा स्लाइडिंग तो खैर बेकार ही है करना, लेकिन लोग कर रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे हमने ऑलरेडी किया हुआ है। इस बीच का जो एक मेन अट्रैक्शन है वो है सनसेट, अभी हम लोग सनसेट देखेंगे। Yeah.